तो आज आप लोगों का क्लास वर्क है फोनिक साउंड। तो आप लोग ऊपर डालिएगा CLASS क्लास WORK वर्क, नीचे लिखिएगा ATO2 चेट फोनिक PHONIC फोनिक SOUND साउंड IN HINDI हिंदी। तो ये हो गया A to Z फोनिक साउंड इन हिंदी। तो आप लोग इसको हम क्लास वर्क में करवा रहे हैं। ए का साउंड होता है ए, बी का साउंड होता है ब, सी का साउंड होता है क, डी का साउंड होता है ड, ई का साउंड होता है ए, एफ का साउंड होता है एफ, जी का साउंड होता है ग, एच का साउंड होता है ह, आई का साउंड होता है ई, जे का साउंड होता है ज, के का साउंड होता है क, एल का साउंड होता है ल, एम का साउंड होता है म, एन का साउंड होता है न, ओ का साउंड होता है ओ, पी का साउंड होता है प, क्यू का साउंड होता है क्व, आर का साउंड होता है र, एस का साउंड होता है स, टी का साउंड होता है ट, यू का साउंड होता है अ, वी का साउंड होता है व, डब्लू का साउंड होता है वा, एक्स का साउंड होता है एक्स, वाई का साउंड होता है या, जेड का साउंड होता है ज। तो इस तरह आप लोग पूरे लेटर लिखिएगा और उसका हिंदी साउंड लिखिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से पढ़ने आ जाए इंग्लिश। क्योंकि मैं अब अगले वीडियो में आप लोगों को साउंड ऑफ AEIO स्टार्ट करूँगी, जिसमें आप लोग साउंड ऑफ ए पढ़ेंगे, जिसमें 3-3 लेटर्स के वर्ड होंगे, जिसे आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। तो आज का क्लास वर्क यही है, आप लोग इसे नीट एंड क्लीन अपने लिखिएगा और इसको 3-4 रीड करिएगा। और आपका होमवर्क, आज का होमवर्क होगा सेम एज सी डब्ल्यू का मतलब है जैसा मैंने क्लास वर्क कराया वैसा ही बिल्कुल आप लोग अपना होमवर्क भी रिपीट कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।